So welcome to Amplifier classes. Today we are going to discuss the most important dates of Mai. Okay, so let's get started. So friends, याद रखिए कि मैंने mnemonic method से already बता चुका आपको कि 0 से लेकर 9 तक के codes क्या होते हैं. ठीक है, यहाँ पे code लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं. अगर आपको ये code नहीं याद है या कैसे बनते हैं तो इसके लिए एक video बना रखी है जो आप मेरी first part में देख सकते हैं. और अगर आपको नहीं याद है तो फिर मैं यहाँ पे आई बटन आ रहा होगा उस पर आप क्लिक करके देख सकते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, आगे मूव करते हैं. फर्स्ट मई को क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल लेबर्स डे. ठीक है, अब इंटरनेशनल लेबर्स डे का कोड क्या है? लेबर लोगों को आजकल दाल भी नसीब नहीं होती. तो सही बात है, जो लेबर्स होते हैं फ्रेंड्स उनको क्या नहीं होता है नसीब, उनको आजकल दाल भी नसीब नहीं होती है. तो बस दाल का कोड क्या हो जाएगा? डी ए एल. तो डी का कोड आपको पता होगा वन होता है, ए का कोड होता नहीं बिकॉज इट इज वॉवल, और एल का कोड क्या होता है? फाइव होता है. तो वन मई, फाइव क्या है? फाइव मतलब मई हो गया, क्योंकि फाइव क्या डोनेट करता है? मई को. ठीक है फ्रेंड्स, और वन क्या हो गया आपका? वन आपका डे कोड हो गया. ठीक है फ्रेंड्स, तो ये डेट वन हो गई और मई आपका फाइव हो गया. ठीक है, तो बस आपको ये दाल याद रखना है कि लेबर्स डे के लेबर्स जो होते हैं उनको दाल भी नसीब नहीं होती है. ठीक है, बस इतना याद रखना है. तीन मई की बात करें तो प्रेस फ्रीडम डे. अब इसका कोड क्या है? प्रेस में छपवाने के लिए मेल कर दिया जाता है. तो आपने देखा होगा प्रेस में जो भी हमें छपवाना है उसके लिए क्या कर देना है? मेल कर देना है. ठीक है फ्रेंड, तो एम का कोड क्या हो जाएगा? एम का कोड आपको पता है थ्री होता है, ए और आई वॉवेल है, इनके कोड होंगे नहीं, एल का कोड फाइव होता है. ठीक है फ्रेंड, तो आपको याद रखना है अगर दो नंबर आते हैं, अगर दो नंबर आते हैं तो पहला क्या हो जाएगा? पहला आपका डे कोड होगा और दूसरा आपका मंथ कोड होगा. ठीक है फ्रेंड्स, आगे मूव करते हैं. आपको बस ये याद रखना है तीन मई को प्रेस फ्रीडम डे होता है और प्रेस में छपवाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? मेल करना पड़ता है. ठीक है, प्रेस में छपवाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? मेल करना पड़ता है. ठीक है, आगे मूव करते हैं. तीन मई वर्ल्ड लाफ्टर डे. तो आपको ये भी याद रखना है तीन मई को क्या होता है? वर्ल्ड लाफ्टर डे होता है. तो लाफ्टर डे फिक्स नहीं है, इस साल मनाया गया 2020 में जो मनाया गया है वो तीन मई को मनाया गया है. ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन वैसे आपको ये याद रखना है कि मई के पहले रविवार को लाफ्टर डे मनाया जाता है. ठीक है, जो भी मई का पहला रविवार आएगा, उस पहले हफ्ते का जो रविवार आएगा वो क्या मनाया जाता है? लाफ्टर डे, वर्ल्ड लाफ्टर डे मनाया जाता है. ठीक है, तो तीन मई को वर्ल्ड लाफ्टर डे मनाया जाता है 2020 में. ठीक है, चार मई की बात करें तो इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे. अब आपको ये कैसे याद रखना है इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे? तो याद रखिए फायर फाइटर्स जो होते हैं वही हमारे रियल हीरो हैं. कौन? फायर फाइटर्स ही तो रियल हीरो हैं. अगर कहीं आग लग गई और उन्होंने बचा लिया तो वो हमारे क्या है? वो हमारे रियल हीरोज हैं. बस आपको रियल याद रखना है. तो रियल का कोड क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? रियल का कोड हो जाएगा आपका, आर का कोड फोर होता है, ई वॉवेल नहीं होगा, ए वॉवेल नहीं होगा, और ये एल का कोड फाइव हो जाएगा. तो पहला डे कोड और दूसरा मंथ कोड. ठीक है, तो फोर मई क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे. आगे मूव करते हैं फ्रेंड्स. फाइव मई, फाइव मई को वर्ल्ड अस्थमा डे मनाया जाता है. तो सिंपल सी बात है, आपको याद करने के लिए क्या करना है? मई के हर मंगलवार आस्था, आस्था से अस्थमा, क्या? आस्था से अस्थमा, आस्था रखते हैं. तो आस्था किस दिन रखते हैं? भगवान जी की, मंगलवार को रखते हैं. तो आपको याद रखना है जो पहला मंगलवार आएगा रवि का, यानी कि पहला ट्यूसडे, मई का पहला ट्यूसडे जो आता है वो क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड अस्थमा डे मनाया जाता है. ठीक है, आपको ये याद रखना है मई का जो पहला मंगलवार आएगा उस दिन क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड अस्थमा डे मनाया जाता है. मई 2020 की बात करें तो ये 5 मई को पहला मंगलवार पड़ा था मई महीने में. ठीक है, इसीलिए 5 मई को मनाया जा रहा है वर्ल्ड अस्थमा डे. ठीक है फ्रेंड, 7 मई की बात करें तो वर्ल्ड एथलेटिक्स डे. अब आपको पता होगा एथलेटिक्स क्या है? कोई खेल नहीं है, जैसे ये फुटबॉल नहीं है, ये हॉकी नहीं है, ये कोई गेम नहीं है. ठीक है, ये एथलेटिक है. तो आपको बस ये याद रखना है एथलेटिक्स कोई खेल नहीं है. क्या नहीं है? खेल नहीं है. एथलेटिक्स कोई खेल नहीं है. ए का कोड क्या होता है? 7 होता है, एच का कोड होता नहीं, ई का कोड होता नहीं, और एल का कोड 5 होता है. बस आपको ये याद रखना है 7 मई. ठीक है फ्रेंड्स, आगे मूव करते हैं. 8 मई, 8 मई को क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल रेड क्रॉस डे. और इंटरनेशनल रेड क्रॉस डे, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, यहाँ पे और आएगा. ठीक है, तो इंटरनेशनल रेड क्रॉस डे या वर्ल्ड थैलेसीमिया डे. तो आपको ये याद रखना है रेड क्रॉस लगा मतलब फेल हो गया. आपको पता है अगर आपकी कॉपी में रेड क्रॉस लग गया, ठीक है, रेड कलर का क्रॉस लग गया, तो उसको क्या माना जाता है? फेल माना जाता है. ठीक है, बस आपको ये याद रखना है कि रेड क्रॉस मतलब वो तो फेल हो गया भाई, उसकी तो कॉपी में रेड क्रॉस लग गया यार. रेड क्रॉस का मतलब क्या होगा? फेल. तो आपको बस इतना याद रखना है. अब फेल का कोड देखिए, फेल का कोड क्या हो जाएगा? एफ का कोड क्या होता है फ्रेंड्स? तो एफ का कोड 8 होता है. ठीक है, आपको पता होगा एफ और वी का दोनों का कोड क्या होता है? 8 होता है. ए का कोड होता नहीं, आई का होता नहीं, और एल का कोड 5 होता है, जानते हैं. तो 8 मई, 8 मई क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल रेड क्रॉस डे. ठीक है, अब वर्ड थैलेसीमिया डे. तो क्या है? थैला, यहाँ देखिए थैला, थैला आ रहा है ना, थैला आ रहा है. तो बस आपको याद रखना है थैले से सीमा फाइल निकालो. क्या? थैले से सीमा फाइल निकालो. अब फाइल, एफ आई एल ई, तो फाइल का कोड क्या हो जाएगा? एफ का कोड क्या हो जाएगा? एफ का कोड 8 हो जाएगा. आई का कोड होता नहीं, एल का कोड 5 हो जाएगा, ई का कोड होता नहीं. तो 8 मई, बस आपको इतना याद रखना है 8 मई. 8 मई को कौन से दो दिन मनाया जाता है? इंटरनेशनल रेड क्रॉस डे. इंटरनेशनल रेड क्रॉस डे का कोड क्या है? रेड क्रॉस लगा मतलब फेल हो गया. रेड क्रॉस लगा मतलब फेल हो गया. और वर्ड थैलेसीमिया डे, थैलेसीमिया का कोड क्या है? थैले से सीमा फाइल निकालो, फाइल निकालो सीमा. तो बस फाइल याद रखना है. ठीक है, 9 मई की बात करें तो वर्ल्ड माइग्रेशन वर्ल्ड डे.
वर्ल्ड माइग्रेशन बर्ड डे होगा, ठीक है। तो देखिए ये सेकंड सैटरडे ऑफ मई को मनाया जाता है, ठीक है। कब मनाया जाता है? सेकंड सैटरडे ऑफ मई या अक्टूबर को मनाया जाता है, ये भी कोई फिक्स नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। वर्ल्ड माइग्रेशन डे है ये भी कोई फिक्स नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये 9 मई को मनाया जाता है, ठीक है। बस आपको इतना याद रखना है कि वर्ल्ड माइग्रेशन बर्ड डे कब मनाया जाता है, तो सैटरडे। ये जो माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं, जो कि कभी हर सीजन में नहीं आती हैं, ठीक है। तो मैं इंडिया के हिसाब से बता रहा हूँ आपको कि जो माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं वो मई और अक्टूबर के महीने में आती हैं। और कहाँ कहाँ आती हैं, तो ये आपको याद रखना है, ये आपके गुजरात में आती हैं, और उसके बाद में कहाँ आती हैं, आपके इलाहाबाद में आती हैं, ठीक है। तो आपको बस इतना याद रखना है, ठीक है। आगे मूव करते हैं फ्रेंड्स। 10 मई मदर्स डे, तो मदर्स डे का कोड क्या है? आपको इसका कोई कोड नहीं है क्योंकि ये भी फिक्स नहीं है, ठीक है। तो मार्च और मई के महीने में ये जनरली मनाया जाता है। 2020 में जो मनाया गया है वो 10 मई को मनाया गया है। कब मनाया गया? 10 मई को मनाया गया। तो आपको बस ये याद रखना है 10 मई को क्या है, मदर्स डे का, ठीक है फ्रेंड्स। 11 मई की बात करें तो नेशनल टेक्नोलॉजी डे, 11 मई को क्या मनाया गया, नेशनल टेक्नोलॉजी डे। कोड क्या होगा? टेक्नोलॉजी की पढ़ाई IIT दिल्ली में होती है। कहाँ होती है टेक्नोलॉजी की पढ़ाई? सही बात है भाई, IIT की पढ़ाई, टेक्नोलॉजी की पढ़ाई IIT दिल्ली में होती है, ठीक है। तो बस आपको इतना याद रखना है, आई का कोड होता नहीं, आई का होता नहीं, टी का क्या हो जाएगा, टी का कोड 1 होता है, डी का कोड 1 होता है, ई का होता नहीं, एल का कोड 5 हो जाएगा, एच और ई का होता नहीं। तो बस सिंपल सी बात है, यहाँ पे नंबर क्या आया, 115 आया है, ठीक है। आप अगर IIT दिल्ली का कोड निकालेंगे, खुद से निकाल कर देखिएगा, अगर आप IIT दिल्ली का कोड निकालेंगे तो क्या आता है, ठीक है। तो आप देखिए 115 आएगा। तो मैंने जब भी बताया, जब भी 3 डेट्स आती हैं, तो जो पहली दो डेट होगी वो क्या बताएगी, वो आपको डे कोड बताएगी। जैसे यहाँ पे क्या है, दिन 11 है, और 5 क्या बता रहा है आपको, मई बता रहा है, 5वें नंबर पे मई आता है। तो बस आपको याद रखना, नेशनल टेक्नोलॉजी डे, टेक्नोलॉजी की पढ़ाई IIT दिल्ली में होती है। बस आगे मूव करते हैं, 12 मई इंटरनेशनल नर्स डे। अब इंटरनेशनल नर्स डे है तो कैसे पे याद करेंगे, अब नर्स जो होती है वो जांच के लिए क्या लाती है, DNA लाई है, नर्स जो है DNA लाई है, क्या लाई है, DNA लाई है। अब नर्स तो कोरोना फैला हुआ है, कोरोना में कौन आता है जांच के लिए, नर्स आ रही है, डॉक्टर्स दूर दूर रहते हैं, ठीक है। आपको बस इतना याद रखना है, डॉक्टर्स दूर दूर रहते हैं, नर्स आ रही है, और नर्स क्योंकि कोरोना का इलाज पॉसिबल नहीं है, इसीलिए वो क्या लेकर आई है, DNA लेकर आई है, क्या लेकर आई है, DNA लेकर आई है। तो डी का कोड क्या हो जाएगा, 1, एन का कोड क्या हो जाएगा, 2, ए का कोड होता नहीं है, एल का कोड 5 होता है, ANIR वॉवल, तो इसका भी कोड नहीं होगा। तो 3 नंबर आए हैं, 1, 2, 5, और 2 का कोड मैंने बताया, 2 नंबर का कोड हमेशा क्या होगा, ये आपका डे कोड होगा, डेट कोड होगा। और डेट कौन सी है, तो हाँ आप देख रहे हैं यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 5 है, तो 5 क्या बता रहा है, 5 आपको मई मई बता रहा है, यानी कि मई किस नंबर पे आता है, 5वें नंबर पे आता है। तो 12 मई क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल नर्स डे हो जाएगा। बस आपको इतना याद रखना कि इंटरनेशनल नर्स डे का कोड क्या हो जाएगा, नर्स लोग जांच के लिए DNA लाई है, DNA लाई है, नर्स क्या लाई है, DNA लाई है। बस आपको इतना याद रखना है। 15 मई की बात करें तो इंटरनेशनल डे ऑफ द फैमिली। अब भाई इंटरनेशनल डे ऑफ द फैमिली मतलब फैमिली वाला दिन है, तो फैमिली वाला दिन है तो फैमिली के साथ हम क्या देखने जाएंगे, तो दिलवाले देखने जाएंगे। क्या देखने जाएंगे, दिलवाले फिल्म देखने जाएंगे। तो बस आपको इतना याद रखना है कि 15 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली है, और इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली, अब फैमिली कौन सी मूवी देखने जाएगी, तो दिलवाले देखने जाएगी। अब दिलवाले का कोड क्या हो जाएगा, डी का कोड 1 होता है, आई का कोड होता नहीं बिकॉज वॉवल है, एल का कोड 5 होता है, डब्ल्यू का होता नहीं, ए का होता नहीं, एल का कोड 5 होता है, ई का होता नहीं। तो यहाँ से नंबर क्या है, 115 आया, 155 आया। अब 15 क्या हो जाएगा, 15 आपका क्या हो जाएगा, 15 आपका मंथ कोड, डे कोड हो जाएगा, और 5 आपका मई कोड, मई का कोड हो जाएगा। तो बस आपको इतना याद रखना है, इंटरनेशनल डे ऑफ द फैमिली क्या मनाया जाएगा, इंटरनेशनल डे ऑफ द फैमिली 15 मई है, 15 मई को हम दिलवाले देखने गए थे, इसके साथ गए थे, फैमिली के साथ ही गए थे। बस इतना याद रखना है। आगे मूव करते हैं, 17 मई, 17 मई को वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे मनाया जाता है। अब वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे, तो भाई पहले बंगाल अलग नहीं हुआ था, तो अब बंगाल अलग हो गया, तो अब टेलीकॉम वाले क्या कर रहे हैं, बंगाल बात करने के लिए क्या ले लें, टका लेते हैं, क्या लेते हैं, टका लेते हैं। अब टका का कोड, टी का कोड क्या हो जाएगा, 1 होता है, ए का होता नहीं, के का 7 बिकॉज मैंने बता चुका है, केसी का कोड क्या होता है, 7 होता है, ठीक है, ए का कोड होता नहीं है, एल का कोड क्या होता है, तो एल का कोड 5 होता है, ई का होता नहीं, टी का होता नहीं, ई का होता नहीं, टी का आपका होता भी तो आपको याद नहीं रखना क्योंकि ऑलरेडी आपके पास 3 नंबर आ चुके हैं, तो 175। अब 17 मई क्या हो गया, 17 मई, तो आपको बस इतना याद रखना, टेलीकॉम वाले बंगाल बात करने के लिए टका लेते हैं, क्या लेते हैं, टेलीकॉम वाले बंगाल बात करने के लिए टका लेते हैं, क्या लेते हैं, टका लेते हैं, टका लेते हैं। आपने देखा होगा हमारे बंगाल में भी क्या बोलते हैं, टका, कितना, 100 टका, 5 टका, 5 टका रेबो नहीं की बोल चे तुम्हें एखनो अच्छी, ये सब बंगाली भाषा है। तो आपको बस इतना याद रखना है, टका, टका कहाँ का, वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे, ठीक है। बस आपको इतना है, 17 मई वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे, ठीक है, टका लेते हैं। आगे बात करते हैं, 18 मई इंटरनेशनल म्यूजियम डे। अब इंटरनेशनल म्यूजियम डे, तो आप म्यूजियम में जाते हैं तो वहां पे क्या लेते हैं, कहते हैं डोंट फोटो लो, मतलब फोटो मत लो, डोंट फोटो लो, डोंट फोटो लो म्यूजियम में, डोंट फोटो लो, तो डोंट फोटो लो मतलब DFL, यहाँ से कोड आ रहा है, आपने देखा म्यूजियम में DFL लिखा है। अब DFL लिखा है तो DFL मतलब D का कोड 1 हो गया, F का कोड 8 हो गया, और L का कोड क्या होगा, 5 हो गया। तो 18 मई, बस आपको इतना याद रखना है कि 18 मई को क्या मनाया जाता है, तो 18 मई को
डोंट फोटो लो, यानी कि इंटरनेशनल म्यूजियम डे, ठीक है। और इंटरनेशनल म्यूजियम, अब म्यूजियम में जाएंगे आप तो वहां पे क्या कहेंगे, तो वहां पे लिखा होता है ऑलरेडी डीएफएल, तो डीएफएल का मतलब क्या है भाई, डीएफएल का मतलब है डोंट फोटो लो, बस इतना याद रखना है। आगे मूव करते हैं फ्रेंड्स, 21 मई, 21 मई को क्या मनाया जाता है, नेशनल एंटी टेररिज्म डे, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ एक्स पीएम राजीव गांधी। तो देखिए टेररिज्म को हैंडल करना जरूरी है, अब राजीव गांधी की मौत के बाद हमने ये सीखा कि टेररिज्म को हैंडल करना जरूरी है, तो नेशनल एंटी टेररिज्म आपको देगा, आपने आपको पता होगा कि राजीव गांधी को वन से उड़ा दिया गया था, तो आपको बस इतना याद रखना है कि टेररिज्म को हैंडल करना जरूरी है, नहीं तो राजीव गांधी जैसे नेता और मर जाएंगे। तो हैंडल क्या, हैंडल, हैंडल करना जरूरी है भाई, टेररिज्म को हैंडल करना बहुत जरूरी है। एच का कोड क्या होता है, होता ही नहीं है, ए का होता ही नहीं है, एन का कोड 2 होता है, डी का 1 होता है, एल का कोड 5 होता है, ई इज वॉवेल, इसका भी नहीं होगा, तो 215, अब 215, अब 215 का कोड 21, 21 मई, 21 मई, बस आपको इतना याद रखना है कि नेशनल एंटी टेररिज्म डे यानी कि बर्थ एनिवर्सरी ऑफ एक्स पीएम राजीव गांधी, तो टेररिज्म को हैंडल करना जरूरी है। 21 मई एंटी, नेशनल एंटी टेररिज्म डे, टेररिज्म आ गया ना तो टेररिज्म को हैंडल करना जरूरी है। अब बात करते हैं 22 मई की, तो इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे, ये आपको कोई दिक्कत नहीं है इसको याद करने में, सबको पता है 22 मई को इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे होता है, ठीक है। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 29 मई, तो 29 मई को क्या होता है, माउंट एवरेस्ट डे। अब माउंट एवरेस्ट है कहाँ, तो माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, कहाँ पे माउंट एवरेस्ट, नेपाल में, बस आपको नेपाल याद करना है। बहुत आसान ट्रिक्स हैं, आप बस एक बार ध्यान से पढ़िए और बार बार इस वीडियो को देखिए, आपको पूरी की पूरी रट जाएंगी, सिर्फ मात्र 2 से 3 बार आप देखेंगे इस वीडियो को, टॉनिक की तरह लीजिए, एक बार सुबह सुन लीजिए, एक बार शाम सुन लीजिए, फिर 3 दिन बाद एक बार सुबह सुन लीजिए, एक बार शाम सुन लीजिए, आपको एकदम रट जाएगा बिल्कुल। तो बात करते हैं 29 मई की, माउंट एवरेस्ट डे, माउंट एवरेस्ट डे, माउंट एवरेस्ट नेपाल में। अब एन का कोड क्या है भाई, नेपाल 2, ई का कोड होता नहीं, पी का कोड 9 होता है, ए का होता नहीं और एल का कोड 5 होता है, तो 29 मई, बस खत्म। 31 मई की बात करें, एंटी टोबैको डे, तो आप याद रखिए एंटी टोबैको डे 31 मई को मनाया जाता है। क्या कोड है, तंबाकू का सेवन ना करना पर सरकार मेडल देगी। हाँ भाई, अगर तंबाकू का सेवन नहीं करेंगे आप तो सरकार आपको मेडल देगी, सरकार तो चाहती है तंबाकू ना कोई खाए, भले तंबाकू पे लिखा है तंबाकू इंजीनियस टू हेड, तंबाकू इज इंजीरियस टू हेल्थ, उसके बाद भी बेचा जा रहा है, ठीक है। तो अगर नहीं बेच, अगर नहीं खाएंगे आप तो सरकार क्या देगी, मेडल देगी। अब एम का कोड क्या होता है, तो एम का कोड 3 होता है, ई का होता नहीं, ए डी का कोड क्या होगा 1, ए का होता नहीं और एल का कोड 5 होगा, तो बस आपको याद रखना है 31 मई, क्या याद रखना है आपको, 31 मई, ठीक है। तो 31 मई को एंटी टोबैको डे मनाया जाता है, ठीक है। फ्रेंड्स आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो, जरूर करें, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, ठीक है। तो प्लीज फ्रेंड्स लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आगे की वीडियो आपको चाहिए, कैसी चाहिए और कौन कौन से टॉपिक्स पे चाहिए, ठीक है फ्रेंड। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।